गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है आज। आज मौसम का सबसे ठंडा दिन है लग रहा है। बाद में पता चलेगा, न्यूज़ में बोलेंगे तब पता चलेगा मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत। और अभी मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ, देख ही रहे हो, बस में हूँ। बस में तो और ज़्यादा ठंड लग रही है, खिड़कियाँ बंद है फिर भी। और ये देखो कबूतर, जिनको मैं रोज़ देखती हूँ, अभी छतना पहुँच गई हूँ। बस अभी छतना में 10 मिनट रुकेगी, आप लोग जानते हो। रोज़ यहीं पर बैठती हूँ और कबूतरों को देखती हूँ क्या करते हैं, कब नीचे आते हैं, कब ऊपर जाते हैं। तो जी अभी भी रास्ते पे हूँ। बहुत ठंड, बहुत ठंड हवा चल रही है और सूरज देवता दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए। ओह, आज सचमुच बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी भी मुझे जाना है, एक 1.5 किलोमीटर तो है ही यहाँ से। ये देखो साइकिल। और चलो स्कूल पहुँच के बातें करती हूँ, बातें होने ये। तो जी साइकिल रख दिया है, अभी मैं जा रही हूँ हेल्थ में। हेल्थ में मीटिंग है, अचानक से बुलाया है, मतलब स्कूल के बाद 10:30 बजे से हेल्थ में मीटिंग है। अब कब ये लोग छोड़ेंगे पता नहीं। घर कब पहुँचूँगी, घर का क्या हाल होगा, क्या खाना बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता। अचानक से बुलाया है तो स्कूल के बाद अभी हेल्थ में जाना ही होगा। धूप खिली है आज बहुत देर बाद, बहुत ठंड है, सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी थोड़ी धूप खिली है, भटभटी आ रही है, भटभटी। दूसरे दिन इस वक्त तक चादर जो सर में बंधा हुआ सब हट जाता है, स्वेटर भी हट जाता है। लेकिन आज इतनी ठंड है, कुछ को उतारने का मन नहीं कर रहा है। बाप रे, बहुत ज़्यादा साइकिल चला के आई फिर भी गर्मी नहीं लग रही है, इतनी ठंड है आज, इतनी ठंड। और प्रीतम स्कूल गया है, जाने का मन नहीं था उसका, उठते ही शुरू हो गया, नहीं जाना है स्कूल, नहीं जाऊंगा, इतना ठंड, बाप रे। उसके पापा जोर से डांटे और मैं तो तभी निकल कर आ गई। 6:30 बजे मेरी बस होती है और उसे तभी उठा देती हूँ, 7 बजे तक वो निकलता है। तो मैंने बोला कि छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, घर में ही रहो। तो ये बोलकर मैं चली आई क्या। तो चलो सेंटर पहुंचती हूँ, देखती हूँ क्या होता है वहाँ पर। मीटिंग ख़त्म होते होते 12 बज गए, अब क्या मिलेगा पता नहीं, बस या ट्रेकर। 1 घंटा लगेगा जाने में, अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत भी खराब लग रहा है। और घर जाकर इतने सारे काम हैं, सोच कर ही मुझे सर दर्द कर रहा है, वो सब काम पड़े हैं, सब काम, क्या करें। चलो घर चलते हैं। जी ये रेलवे फाटक गेट पड़ा हुआ है और ट्रेन जा रहा है, तो अभी रुकना पड़ेगा। तो रुक कर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं, क्योंकि मन तो है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, जाकर बहुत काम है। और इधर रुको, बैठे रहो, अभी 10 मिनट टिकट तो मिल गई टाइम पे, लेकिन 10 मिनट अभी बैठे रहो खाम खा। ये 10 मिनट घर में कितने काम हो जाते हैं बोलो, कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर दिन मुझे जाते समय हो, आते समय हो, 10-15 मिनट यहाँ पर जाता ही है। जाते समय, स्कूल जाते समय हो तो उतना अच्छा ख़राब नहीं लगता, लेकिन घर जाते समय ये 10 मिनट बहुत काम के होते हैं, जो मुझे यहाँ पर रुककर गुजारनी पड़ती है। और गाड़ियाँ देखो, बहुत गाड़ियों की लाइन लग गई, अभी टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं सामने। तो चलो आ गई जी घर वापस। वेदर देख ही रहे हो, जोरों की हवा चल रही है, बहुत ठंड है आज। और ये देखो कितने सारे छिलके उतार के रखे हैं, हरे मटर की। और क्या कर रहे हैं राम बहुत ठंड है आज, बहुत ज्यादा ठंड। बोला ना एक बार भी चादर ऐसे उतारा नहीं, बाप रे कैसे नहाऊंगी पता नहीं। और क्या क्या बनाए हैं चलिए दिखा देती हूँ। दूध गर्म किया है लेकिन कुछ ऊपर से दिया नहीं, खाली रख छोड़े हैं क्यों पता नहीं।
चावल बन रहा है। बात नहीं हो पाई, मुंह एकदम जम गया। उस मुंह टिकर पे ना हवा डायरेक्ट आती है। चिकन अभी बोल रहे थे नहीं है चिकन खाना, 2-3 दिन पहले ही नहीं है चिकन खाना, चिकन नहीं खाना है मुझे, है चिकन बनाया। और ये देखो करला भाजी लास्ट में बनेगा, चटनी बनाई है आज, बाप रे बहुत सारी चटनी, इतने दिन तो खाएंगे पता नहीं। और मैं अब तो फ्रिज बंद करने वाली थी क्योंकि फ्रिज में कुछ है नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलो अभी नहा लेती हूँ, फिर पहले घर की सफाई करती हूँ फिर नहाती हूँ। चलो तो जी बैठ गई खाने में, ये देखिए थाली, ये चावल, ये करला भाजी, बैंगन भाजी, चटनी और चिकन, चिकन करी, और सब बनाया मेरे हस्बैंड जी ने, ये इन्होंने, मैंने तो कुछ नहीं बनाया ना ही कुछ हेल्प किया। आई हूँ 1 बजे और 2 बजे खाने बैठ गई, घर की थोड़ी सफाई की, ये बेड अभी तक बाकी है, खाने के बाद ये बेड करूँगी क्योंकि मास्टर जी आएंगे कुछ देर बाद, और उस रूम की सफाई हो चुकी है। तो और क्या, अभी गरम गरम खाना इंजॉय करती हूँ। चलो आ गया मेरा बेटा, देखो अभी नहाएगा फिर खाएगा फिर पढ़ने बैठ जाएगा। ओए होए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने। हालत देख ही रहे हो, आज है मौसम का सबसे ठंडा दिन, और प्रीतम दूध पी रहा है अच्छे बच्चे की तरह, प्रीतम के पापा चाय पी रहे हैं अच्छे बच्चे की तरह, और हम लोग अभी तक सो रहे थे, 6:30 बज गए, प्रीतम ट्यूशन टीचर के पास पढ़ के फिर फोन देख रहा था। और आज बनेगा घर में क्या, शाम को क्या बनेगा मुझे कुछ नहीं पता, मैं सोऊंगा, मुझे हरे मटर की कचौड़िया जो प्रीतम के पापा ने मतलब दिन में आप लोगों को दिखाया था छील के रख दिया है एक बड़े कटोरी में, कल उनको फिर छुट्टी, उनको मैं पीस कर अभी कचौड़िया बनाऊंगी, मतलब रेडी करके रखूंगी, रात को खाने से पहले फ्राई करूंगी, आटा लगा कर दिन में ही रख दिया है, अभी मैं मसाला रेडी करूंगी, बस मतलब जो मटर की जो पूर बनेगा फिलिंग के लिए वो रेडी करूंगी, मसालेदार एकदम स्पाइसी, स्पाइसी बनाओ या हल्का, हल्का नहीं स्पाइसी बनाऊंगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम ऐसे खा सकते हो थोड़ा सा तीखा खा सकते हो। तो ठीक है कैसा बनता है देखती हूँ, अभी बनाने शुरू तो करो, बनाना शुरू करो, फिलिंग बनाकर एकदम रेडी करके रखूंगी, तो चलो मेरे साथ देखो। देखिए जी आटा लगा के रख दिया है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल दे दिया था, वही दिख रहा है आप लोगों को, इससे बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि मैंने दिन में ही लगा के रख दिया है, 3-4 घंटे तो हो ही चुके हैं। और अभी मटर को, ये छिले हुए हरे मटर को मैं मिक्सी में पीसूंगी, पीस के पेस्ट बनाऊंगी, उसके बाद मसाले भून के इसे डालूंगी, पहले पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए इसे पीस लिया है मैंने, एकदम बारीक पीसा हुआ, एकदम देखो कोई दाना दाना नहीं, पूरा पेस्ट जैसा ऐसे ही पीसना होगा, नहीं तो फिलिंग में मतलब फिलिंग भरने के बाद जब बेलोगे तो बाहर निकल जाएगा, ऐसे पेस्ट ना बनाओ तो क्रीम जैसा। तो और एक बार कर लेती हूँ, इतने से तो होगा नहीं, और एक बार चलाऊंगी। और ये देखिए, देखिए जी पेस्ट रेडी, और ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो मसाले में जाएगा, और ये रहा हींग, हींग के बिना तो नहीं बनेगी कचौड़ी, तो चलो शुरू करते हैं। तो जी थोड़ा सा तेल दिया है, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं, ज्यादा दोगे तो चिपचिपा हो जाएगा, और ये गया जीरा, और इसमें जाएगा ये पिसे हुए मसाले। तो जी मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी क्योंकि कच्चा अगर रह जाए तो पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नमक और चीनी भी डालूंगी थोड़ी सी टेस्ट के लिए, मतलब तीखा मीठा नमक सब कुछ होना चाहिए,
और थोड़ी ज़्यादा ही नमक डालूंगी, क्योंकि बाद में जब ये पूरी के अंदर रहेगा ना तब नमक कम हो जाता है, कम लगता है खाने के टाइम, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालो जब आप ये मसाले रेडी करो। और कोई कोई करता है क्या, मटर के साथ ही हरी मिर्च लहसुन अदरक सब दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कच्चा रह जाता है, क्योंकि आप मटर को जब डालोगे उतना भून नहीं पाओगे जितना आप मसाले अकेले भूनोगे। तो इसलिए मैंने मसाले पहले भून लिए अच्छे से, उसके बाद ही ये जो पीसी हुई मटर है, हरी मटर, उसको दिया है। अभी इसको भी अच्छे से भूनूंगी जब तक मतलब पानी सूख ना जाए, इसका थोड़ा पानी सूख कर ड्राई ड्राई ना हो जाए, कलर थोड़ा चेंज होगा तब ये बन के तैयार होगा। ये देखिए लगभग बन ही चुका है, बस अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और अजवाइन डाल दिया है। मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, कोई डाल भी सकता है नहीं भी, हींग तो दिया ही, पहले ही मसाले के अंदर ही हींग दिए दिए थे, हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। चलो अभी इसे ठंडा होने देती हूँ, ठंडा होने के बाद इसको पूरियों में भरूंगी जो मैंने पेड़े रेडी कर रखे हैं। चलो तो जी अभी मैं दुकान सजा के एकदम बैठ गई, ये देखो शतरंजी बिछा के, बहुत ठंड है तो ऐसे तो नहीं बैठ सकती, ज़मीन पर टाइम लगेगा, एक एक करके मैं बनाऊंगी। और प्रीतम शूटिंग कर रहा है आज। तो जी ये देखिए गोला रेडी एक एक करके, और इसमें जाएगा थोड़े पूर थोड़े करके ये पूर मसाले, जो बोलो आप, मुझे वो इतना भी मैडम मत हो रहा डालो है, कि बेलने के टाइम पर निकल जाए, और इतना भी मुझे कम वो नहीं, मैडम हो रहा है। इतना भी कम मत डालो कि स्वाद ना आए, ठीक है। मिनिमम ऐसे डाल के धीरे 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 ऐसे उनको बंद कर मोमो लो, जैसे हाँ मुंह को ऐसे बंद कर लो, बस एक एक करके ऐसे बनाते जाओ। तो ये जी एक मेरा बन गया एकदम, ये देखिए पूरा गोल निटोल, ऐसे एक एक करके मैं सब बना लूंगी। तो जी एक एक करके ऐसे मैं सब में भर लूंगी, सब रेडी करके रख दूंगी, फिर जब प्रीतम के पापा आएंगे तो गरम गरम फ्राई करके प्रीतम और उसके पापा को, बेल के रख देना। नहीं बेल के नहीं रखते, उसी टाइम बेलना होता है, और फिर फ्राई करके गरम गरम परोस दूंगी। तो अभी ये सब भर के रेडी करके रखती हूँ। तो जी तीन थाली में मैंने बेल लिया है, बहुत सारे बने हैं, और मुझे ही तो फ्राई करना है, मुझे ही बेलना है, तो पहले बेल के रेडी कर लिया मैंने। अब तेल गरम होते ही एक एक करके फ्राई करूंगी, अभी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तेल गरम हो तो बस एक एक करके फ्राई कर लो। और क्या, और प्रीतम तब से बोल रहा है, जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसका स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, ये वो बोलते जा रहे हैं। देखती हूँ बाद में खाता है कि नहीं, पता नहीं ये बच्चा कब गया बोले, उसको मतलब हींग का जो जो सेंट है, स्मेल है, वो शायद पसंद नहीं उसको। पहले भी मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी तब भी उसने ऐसा ही किया था, स्कूल में दिया था टिफिन में, वो छोले के शायद बनाए थे तो दाल के, तो वो वापस लेकर आया था, नहीं खाया था, तब भी ऐसा ही बोला था। अभी देखते हैं आज क्या करता है। और गरम गरम ये देखते ही मुझे खाने का मन कर रहा है, मतलब गरम ही तो अच्छा लगता है ना, ठंडा अच्छा नहीं लगता, कुछ देर बाद एकदम कैसा लगेगा। और इसलिए एकदम खाने के टाइम ही बना रही हूँ, उसके पापा भी आ रहे हैं तो खाने के टाइम ही तल रही हूँ, प्रीतम को भी दे दूंगी, मैं भी खा लूंगी, और उसके पापा आते ही उसके पापा को भी गरम गरम कुछ फ्राई करके दे दूंगी, उनके लिए रख दूंगी अलग से, मतलब अभी फ्राई नहीं करूंगी, उनके लिए तीन रख दूंगी, वो जब आएंगे तब फ्राई करूंगी। कैसे फूले फूले बन रहे हैं देखो, एक भी नहीं मतलब फूला नहीं, ऐसा नहीं हुआ, सब फूले हैं, सभी बहुत अच्छे बने हैं। और क्या, चलो अभी सब फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना है। इसे टाइम लगता है लेकिन खाने में सचमुच बहुत अच्छा लगता है। ये देखो दो बनाए, अभी सबको फ्राई करूंगी एक एक करके। तो जी ये देखिए बन के तैयार गरम गरम कचौड़ी, हरे मटर की कचौड़ी, एक खा के टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। ठहरिए ये मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, खुद ही बनाया, खुद ही बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, धुआं भी उठ रहा है, गरम गरम खाना चाहिए, लेकिन मैं प्रीतम तो रसगुल्ले के साथ खाएंगे, खजूर के, उसके पापा आए नहीं अभी तक,
तो एक तो गरम गरम टेस्ट कर लो, रास्ते में है बोल रहे हैं। मजा आ गया, मेहनत का फल मिल गया। तो आए फिर सबको देती हूँ। जी पीतम के पापा आ गए, गरम गरम उनके लिए फ्राई करके दिया मैंने, और ये देखो जो चिकन बनाया था वो गरम कर दिया, और गुड़ के रसगुल्ले। तो चलो लीजिए महाराज, गरम गरम बोलिए अभी खा करके सब बना है। कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इनके लिए रख दिया था, तीन नहीं फ्राई किए थे कि वो आए तब गरम गरम फ्राई करके दूंगी। तो दिया, अभी ये खाए और क्या। तो चलो आज का मतलब आधा दिन गुजर गया इसी में ही, ऐसे होता है ऐसा कुछ बनाओ तो टाइम लगता है, खाने में भी तो बहुत मजा आता है, और कभी कभी बनाते हैं हम इसीलिए टाइम लगता है, इसीलिए कभी कभी बनाते हैं। तो ठीक है चलो आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट की, सचमुच मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट।